सुदामा खुशी का समा आपके करीब आ गया है। एक्टिंग करते हो? जी एक्टिंग भी करता हूँ। कोई दो डायलॉग सुनाओ बढ़िया। चौकर बनाता ही तो सबसे पहले अर्थीस की उठेगी जिसके सर पे सिर होगा। ऐसा टैलेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। टैल का भाई उन्हीं को दिखाता जिनके अंदर टैलेंट होता है। मैं गरीब इंसान हूँ, विकलांग हूँ, मुझे सैर कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ। रोड पे मैं गाना गाता हूँ लोखंड वाला में। प्लीज मेरे मम्मी घड़ी नहीं है। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसू से शाम ने धुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा खुशी का समा आपके करीब आ गया है। थैंक यू सो मच। मैं गरीब इंसान हूँ, विकलांग हूँ, मुझे सैर कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ। रोड पे मैं गाना गाता हूँ लोखंड वाला में। प्लीज मेरे मम्मी घड़ी नहीं है। थैंक यू। इसके अलावा कुछ और सुनाओगे? जी भर तो झोली मेरे सरकार मदीना लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जब तलक तो बना देना बिगड़ी दर से तेरे ना जाए ये सवाली। कहाँ रहते हो आप? जी मैं रहता हूँ विरार साइड में, विरार से आता हूँ। मुंबई कब से हो? मुंबई में हो गए जी 15-20 साल हो गए हैं। लोखंड वाला में अपना गाना गाता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ लेकिन कोई कुछ नहीं। लोग मुझे धुतकार देते हैं, भगा देते हैं लेकिन मेरे टैलेंट को नहीं समझ पाते सर। अच्छा। अभी भी सोनू सूद जी के पास गया था मैं तो वहाँ से भी कुछ नहीं किया। कोई चिंता ना करो, भगवान आपकी सुनेगा। जी सर। और रहने वाले मुंबई की हो? नहीं मेरठ का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, यहाँ कितने सालों से हो आप? जी मुझे हो गए 20 साल। 20 साल हो गए आप? जी बचपन से आया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, क्या चाहते हैं मूवी में चांस मिल जाए? जी मूवी में चांस मिल जाए, गाने का मौका मिल जाए। मैं फिल्मों के लिए गाने लिखता हूँ। जैसे एक्टिंग करते हो? जी एक्टिंग भी करता हूँ। कोई दो डायलॉग सुनाओ बढ़िया। जी रेडी एक्शन। काजल बाबूजी नमस्ते, मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ और काजल भी मुझसे बहुत प्यार करती है। यकीन नहीं आता तो आप काजल से बोल लीजिए ये क्या कह रही हो। इन हाथों ने सिर्फ हथियार चलाने छोड़े काजल लेकिन चलन नहीं भूले। इस चौकर में बनाता ही तो सबसे पहले अर्थीस की उठेगी जिसके सर पे सिर होगा। हम दोनों के बीच खोया वो समझो मर गया। हे 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 काजल तुम सिर्फ मेरी हो। क्या हुआ था? ताली बजा भाई, सारे भाई भाई के लिए यार। बहुत बड़े ताली। क्या बात है, क्या बात है। आपको चांस भी मिलेगा जी, बड़े लेवल का मिलेगा जी। एक डायलॉग और खतरनाक सा। ठीक है सर। रेडी रोल एक्शन। हाँ मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैं झुमके दर में पला उड़ा रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो लेकिन अफसोस है कि दुनिया वाले मुझे पागल और निकम्मा समझ रहे। लेकिन दुनिया के अंदर गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बड़ा जुर्म है और सबसे बड़ा पाप है। एंड पाप है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाप है, गरीब मर जाना सबसे बड़ा पाप है। छोटे भाई को सपोर्ट करो, प्यार दो, इतना प्यार दो कि भाई हमारा इतने मूवी में आए और तहलका मचाए। थैंक यू, आई लव यू सो मच। आपके बारे में मेहनत रंग लाएगी। ऐसे ही जिंदा दिली दिखाते रहना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता जी। और कुछ नहीं पता कब समय पलट जाए, कब वक्त ऐसा आ जाए कि आप आज रोड पे घूम रहे हो और कल आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू। थैंक यू, आई लव यू सर। खुश रहो। बाय बाय। ऐसे प्यारे भाइयों को सपोर्ट करो। ऐसा टैलेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। टैल का भाई उन्हीं को दिखाता जिनके अंदर टैलेंट होता है। नंबर ले लो, क्या पता कल को हमें फोन करके बुलाना पड़े। हाँ भाई तेरी याद आएगी बाबू। क्या नाम बताया? जी मेरा नाम रोहित है सर। रोहित भाई, ये पैरों में क्या हुआ था आपके? मेरे पैर में पोलियो है लेकिन मैं डांस भी कर लेता हूँ। जैसे कि मैं डांस कर लेता हूँ जैसे कि उत्तरी
ला 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 तेरे बिना मैं हूँ अकेला होना जुदा ओ दिल रुबा मेरी वफा के तेरे साथ है आई लव यू खुदा। क्या बात, पैरों में दिक्कत है लेकिन आपको एक बार भी फील नहीं हुआ होगा कि भाई की दिक्कत है पैर के अंदर। इनका टैलेंट आगे जाना चाहिए, जितने भी डायरेक्टर साहब हमारी वीडियो देख रहे हैं, चहलका भाई की वीडियो देख रहे हैं, तो छोटा भाई मेरा आगे जाना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि मैं 7 दिन बाद भाई को कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर देख लूँ। लव यू बाबू। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको और वो प्यारा भाई कैसा लगा? मैं जानता हूँ बहुत लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, उनकी वीडियो को शेयर करेंगे क्योंकि बहुत मेहनती था। ऐसे लोगों को रिकॉर्ड किया करो, सोशल मीडिया की जो ताकत है ना बहुत तगड़ी है, बहुत ही तगड़ी पूरे वर्ल्ड में। इनकी ज़िंदगी बन जाएगी हमारी एक रिकॉर्डिंग से, हम उस रिकॉर्डिंग को डालेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, उनसे वायरल हो जाएंगे। थोड़ा समय दे दिया करो, थोड़ी सी बातें कर लिया करो इनके साथ, प्यार कर लिया करो, खाना खिला दिया करो, ऐसे टैलेंटेड भाइयों को प्यार दिया करो बस यार। और जो लोग भीख मांगते हैं उनको बोला करो कि भाई भीख ना मांग के सामान बेचो। 2.5-3 घंटे रोइए मैडम क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ बिग बॉस में, और पूरा सपोर्ट करना यार, इतना सपोर्ट करना कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम हो, तहलका भाई, तहलका भाई, तहलका भाई, तहलका। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना बिग बॉस के अंदर। आपको पता वो गेम कैसी है, वहाँ लड़ाई झगड़े ये सब सारी चीज़ें होती हैं। कुछ मुँह से निकल जाए तो पहले माफ़ी चाहता हूँ आपसे यार। लव यू।